Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, in the last class, I taught you about the past and definite tense and affirmative sentences. Okay friends, today I will teach you about the past and definite tense, negative, interrogative and question words. Okay, in the last class I taught you affirmative sentences. Affirmative means sakaratmak sentences. मैंने आपको पढ़ाया था और आज की क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ द पास्ट एंड इनफिनिट टेंस. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, डू डज का इस्तेमाल आपको हमने बताया, डिड का भी इस्तेमाल हमने बेसिक में आपको बताया था. तो डू डज के इस्तेमाल के लिए थोड़ा समझना पड़ता है कि डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं, बट डिड के इस्तेमाल के लिए इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ यही मतलब जानना है कि डिड का इस्तेमाल किस टेंस के लिए हम करते हैं और किस तरह के सेंटेंस के लिए करते हैं. बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही हम डिड लगाते हैं पास्ट टेंस में. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से डिड वाला सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो हम इसका मेकिंग फॉर्मूला पहले लिख देते हैं एक बार. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी बोल सकते हैं, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट, फिर वी वन. मतलब वी टू हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में, बट जब नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस होंगे उसमें हम वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने चाय नहीं पी. मैंने चाय नहीं पी मीन्स आई डिड नॉट टेक टी. सिंपल. अब आप इसमें ये कन्फ्यूजन में मत रहना, इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि आई के साथ डिड लगाया तो यू के साथ क्या लगाएंगे और ही के साथ क्या लगाएंगे. सबके साथ डिड ही लगाना है नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स में. ठीक है फ्रेंड्स, उसने खाना नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट फूड. ही डिड नॉट ईट फूड. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और भी सेंटेंसेस लेते हैं इसमें. मैंने यह मूवी नहीं देखी. आई डिड नॉट, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिड नॉट को, डिडंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, डिड नॉट वॉच दिस मूवी. आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी. ठीक है फ्रेंड, उन लोगों ने काम समाप्त नहीं किया. उन लोगों ने काम समाप्त नहीं किया तो दे डिड नॉट फिनिश वर्क. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं. तो इंटरोगेटिव मीन्स क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस या क्या से समाप्त होने वाला सेंटेंस. आपको अब अभी तक समझ में आ चुका होगा कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, डिड. तो देखिए मेकिंग फॉर्मूला की देता हूँ, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स. क्या वो गया, क्या वो गया मीन्स क्या है, तो क्या के लिए हम क्या डिड पहले लगाएंगे. डिड ही गो, डिड ही गो.
क्या तुमने फिल्म देखी, देख ली या देखी? तो डिड यू वॉच द मूवी? अभी इसमें नेगेटिव लेंगे हम, क्या तुम्हारा भाई नहीं आया? क्या तुम्हारा भाई नहीं आया? तो इसमें हम पहले डिडंट भी लिख सकते हैं या डिड योर ब्रदर नॉट कम। इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स बनाते वक्त वी वन मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म ही रखना है, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन वर्ड्स पे नजर डालेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सिंपल है, बस डिड लगाना है और क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो आपको पता चल ही गया है। तो देखिए, वह कहाँ गया? वह कहाँ गया? तो वेयर डिड ही गो? तुम कल क्यों नहीं आए? तुम कल क्यों नहीं आए? तो why did you not come yesterday? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो what did he do, यहाँ पे do लिखेंगे किया के लिए, do with you, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनेंगे। और कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी डिड नहीं लगाएंगे, मतलब उनको मैं बताता हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स में ही आपको डिड लगाना है, तो वो सिर्फ उसमें ही डिड लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगाते जब डिड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अफर्मेटिव का एक सेंटेंस आपको बताता हूँ कि किस तरह के सेंटेंस में अफर्मेटिव में डिड लगाते हैं। जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो करना है। जब भी सेंटेंस में वर्ब करना हो तो उसके लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये अफर्मेटिव का बता रहा हूँ मैं, तो आई डिड माय वर्क, ठीक है फ्रेंड्स? तो जब भी सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में जब वर्ब करना हो तो आप हम डिड लगाकर बना सकते हैं, बनाते हैं, डिड ही लगेगा, डू का पास्ट डिड होता है इसलिए वहाँ पर डिड लगाते हैं। बाकी किसी और सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड नहीं लगाएंगे, हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में ही डिड लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपका कोई भी कन्फ्यूजन्स जो होगा वो सब दूर हो गया होगा। तो हम थोड़ा कुछ और सेंटेंसेस स्क्रीन पे देखते हैं कुछ और ज़्यादा समझने के लिए। तो देखिए, डिड ही कम फ्रॉम मुंबई? क्या वो मुंबई से आ गया? व्हाई डिड यू नॉट कम? तुम क्यों नहीं आए थे? व्हेन डिड ही गो? वो कब गया? हु टोल्ड यू? तुम्हें किसने कहा? हु डिड यू से? तुमने किसको कहा? हाउ मैनी पर्सन डिड कम? कितने लोग आए थे? व्हाट डिड यू डू विथ हिम? तुमने उसके साथ क्या किया? विच बॉय डिड दिस? किस लड़के ने ये किया? डिड यू हियर समथिंग? क्या तुमने कुछ सुना? आई नेवर टॉक्ड
टू हिम, मैंने कभी उससे बात नहीं की। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाते जाते मैं आपसे फिर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।